जिनका उत्तर हावड़ा के गोलमहर कॉलोनी के पास से रैली निकलेगा। यह रैली सीधे सल्किया बंदे घाट जाएगा, बंदे घाट जाकर वहां पर रैली को विश्राम मिलेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो रैली है वो जीटी रोड से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। दोस्तों आज हम इसलिए मौजूद है ताकि यहाँ की हम हर पल की खबर आपके साथ जोड़ सके, हर पल की बातें आपके साथ कर सके। देखिए दोस्तों, मैं एक तरफ ये बताना चाहूंगा, जहाँ एक भाजपा रैली कर रही है उसकी दूसरी तरफ तृणमूल रैली कर रही है, जहाँ भाजपा प्रचार कर रही है जहाँ तृणमूल प्रचार कर रही है दूसरी जगह। देखिए दोस्तों, प्रचार के मामले में बात करूँगा तो प्रचार के मामले में ये बात है कि जहाँ माननीय ममता बनर्जी प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्र के मंत्री जो जेपी नड्डा जी भी है वो भी रैली कर रहे हैं और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री योगी भी शामिल। इसी बीच और एक जन शामिल हो रहा है, इसी बीच और एक इंडस्ट्री शामिल हो रही है जो फिल्म इंडस्ट्री। एक तरफ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है तो दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है। दोस्तों ये देखना उचित है इस बार 2 मई को जो भाजपा कार्यकर्ताओं नेता द्वारा कहा जा रहा 2 मई दी गई, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा खेला होगा। इसका तय होगा 2 मई को जब रिजल्ट जाहिर होगा कि वोट में मत में कौन जीतता है। दोस्तों इसी तरह खबर आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको योगी जी का रैली दिखाएंगे, योगी जी का किस तरह भव्य रैली जाता है, तो बने रहिए रियल टाइम इंडिया के साथ। ये जो देख रहे हैं ये जो रथ है जिसपे सवार है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, योगी जी सफर कर रहे हैं जिसका मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। तो ये पीछे मौजूद कार्यकर्ताओं से उत्तर हावड़ा में, मैम उत्तर हावड़ा में सर क्या होगा? उत्तर हावड़ा में इसका नहीं बदलाव, बदलाव दीदी देख रही हो, बदलाव का नतीजा। जय श्री राम। इस बार क्या लग रहा है सर, उत्तर हावड़ा में कमल खिल जाएगा? हाँ कमल किसान जो दिल्ली में
साथ की रैली, तो बहुत बड़ी मंदिर इस रास्ते से आगे है और हमारे पीछे जो रास्ता जा रहा है ये जीटी रोड है या जीटी रोड है, संध्या पड़ रहा वहाँ पर रैली गई है और वहाँ से बंदा घाटों के समाप्त हो। तो आज यहाँ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आदित्यनाथ सिंह जी, जिन्हें महाराज जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने यह संबोधन किया कि 10 तारीख आने वाले 10 तारीख को विधानसभा चुनाव में भारी मत उमेश राय जी को और आगे की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हेलो, तब तक के लिए जय हिंद।